नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींदों में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। भुला की नींद अपनी सुलाया हमको, गिरा के आंसू अपने हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। दूसरों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। आपको भी दूसरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करता हो। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर सकता, वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। आपको भी ये तीनों चीजें अपने अंदर लानी है। अगर आप करोगे ऐसा तो आप हर जगह सम्मानित होंगे। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशि फल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है शुभ रंग रहने वाला है वो रहेगा लाल रंग, यानी कि रेड कलर। और लकी नंबर जो है वो बन रहा है आज के लिए नंबर 6। आज जीवन में आगे बढ़ने की चाह आज आपको फोकस बनाए रखने में काफी मददगार साबित कर सकते हैं। दोस्त या फिर रिश्तेदार में से कोई अचानक घर पर आ सकता है। आज काम भी धीमी गति से चलेगा, लेकिन सरलता से आपके काम होते भी चले जाएंगे। महिला सदस्य के स्वास्थ्य में बदलाव आता नजर आएगा आज के दिन। शाम तक जो है ज्यादातर समय आप जो है काम निपटा ही लेंगे। बचा हुआ समय आप अपनी हॉबीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जी आपको जो है बहुत ही काफी सुकून मिल सकता है। आज भावनाओं के साथ जो है सोच मिलाकर काम करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यात्रा या तो आज से शुरू करें या फिर आज समाप्त करें, दो ही चीजें आपके लिए हैं। और हाँ, थकावट तो ज्यादा रहेगी ही रहेगी। प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री से जुड़ी कोई योजना बन रही है तो फौरन उस पर अमल करिएगा। ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में नजर आ रही हैं, आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका जो आत्मिक उत्थान है वो भी नजर आ रहा है। घर में किसी बात को लेकर कलह की स्थिति हो सकती है। संतान की गतिविधियों पर जो है आपको कड़ी नजर रखना होगा, ये बहुत जरूरी है। मामा पक्ष के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाकर रखिएगा। अनावश्यक यात्रा को स्थगित करना आज के लिए फायदेमंद साबित रहेगा। वहीं आज अपने लिए हुए निर्णय जो है उसको बदलना औरों के लिए असंभव हो सकता है। आज आप गंभीर विचारों में खोए रहेंगे। मेहनत करने से आप डरते नहीं हैं, लेकिन आज आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का अंतर अपने कार्य में दिखा देंगे। पिता या फिर घर के किसी पुरुष सदस्य से मतभेद हो सकता है। आज शुरू किए कार्य की सफलता का श्रेय आपको मिलेगा। पत्नी या बेटी की तरक्की भी हो सकती है। आज आप जो है काफी ज्यादातर समय जो है अपनी चीजों को निपटाने में लगा सकते हैं। दिन की शुरुआत में काम की अधिकता के कारण बहुत ज्यादा तो मेहनत करनी पड़ेगी ही, लेकिन दोपहर के जो बाद है मेहनत के उचित रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। दोस्तों के साथ जो है आज घूमने फिरने की प्लानिंग बन सकती है। काफी चीजें एक दूसरे से साझा कर सकते हैं आप। ध्यान रखिए कि पैसे के लेन देन संबंधी कोई भी गलती मत कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के साथ संबंध भी खराब होने की शंका नजर आ रही है। सुख शांति के लिए अध्यात्म संबंधी गतिविधियों में जो है कुछ समय जरूर व्यतीत कीजिएगा। मेडिटेशन करना बहुत ही बढ़िया रहेगा आज आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कहता है कि आज पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर और कंप्यूटर से जुड़े जो बिजनेस हैं उसमें काफ़ी सफलता मिलने वाली है। आज आपके व्यापारिक एटीट्यूड आपकी तरक्की में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। बीमा एजेंट भी अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे बड़ी आसानी से। इसी के साथ ही आज जो है नए काम शुरू करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया दिन कहा जा सकता है, जैसा कि आपके सितारे कह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में व्यापारिक मंदी की वजह से तनाव होगा, इसलिए कार्य करने की प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है।
नौकरी पेशा व्यक्तियों को अनचाही यात्रा करने की वजह से मन व्यथित रहेगा। साथ ही आज सितारे ये भी कहते हैं कि कार्य की पूर्ति नए कार्य के लिए उत्साहवर्धक होगे, यानी कि पुराने जो काम है वो जरा निपटा लीजिए, तभी तो आप नए काम कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल उत्साहपूर्ण से। तो इसलिए पहले पुराने काम जल्दी से निपटा लीजिए। तो ये बात की हमने करियर और बिजनेस की, तो बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो आज की लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के बीच में उपज रहे तनाव का असर घर परिवार पर पड़ सकता है। हालांकि आप परिस्थितियों को संभालने में सक्षम रहेंगे, पर फिर भी आपको जो है थोड़ा जो है काबू में रखना पड़ेगा माहौल को। पति पत्नी में आपसे संबंध भी बढ़िया नजर आ रहे हैं आप में से कई लोगों के। आप दोनों कहीं पर आज डिनर करने या फिर आप दोपहर का लंच करने बाहर जा सकते हैं। पार्टनर के बीच का जो तनाव है जो पहले चल रहा था उसमें जो है कमी आ सकते हैं, यानी कि हालात सुधरते दिखे पाएंगे। साथ ही में पति पत्नी अपनी अपनी व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। लेडीज घर के कामों में बिजी रहेंगी और घर वाले जो है आपके पति देव हैं वो अपने बिजनेस में बिजी रहेंगे। तो दोनों ही समय नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग पर ये अनुशासित वातावरण बनाकर रखिएगा, यानी कि आपको जो उनका ख्याल रखना है स्पेशली बड़े बुजुर्गों का, दोनों रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए लव लाइफ से आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के हेल्थ लाइफ के बारे में। तो आज की जो हेल्थ लाइफ है वो कह रही है कि आज गले और छाती में जो है आपको इन्फेक्शन हो सकती है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। अपना इलाज जो है उचित ढंग से करवाइएगा और हो सके तो आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, घर बैठे इलाज कीजिए ज़्यादा ही बेटर रहेगा। साथ ही में आज शरीर की विटामिन्स की जांच करवा लीजिएगा। आपको भरपूर मात्रा में फ्रूट्स खाना चाहिए जो कि सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसी के साथ ही थायराइड से रिलेटेड समस्याएं जिनकी बढ़ी हुई है, जिनको आशंका लग रही है, उनको जो है जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए, उचित इलाज उचित समय पर कर लेना चाहिए। साथ ही में कई लोगों को जो है शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसका कारण होगा ऑफिस में ज़्यादा देर तक बैठना। कई लोगों को पीठ में दर्द भी हो सकते हैं या फिर कमर के दर्द की शिकायत भी हो सकती है, तो ऐसे में आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए आज सितारे कहते हैं कि आज स्टूडेंट्स को जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अगर आपसे कोई भी विषय छूट गया, कोई हिस्सा छूट गया, तो आने वाले समय में आपको उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जितने कि आपने पहले सोच रखे गए। और साथ ही में आज कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी जो है बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपके जो पेरेंट्स हैं आपको फॉरन में भेज दें, जिससे आपकी जो तरक्की के आसार काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया नजर आएंगे। तो चलिए अंत में बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज का विशेष उपाय आपके लिए कहता है कि आज आपको जो है हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही में अगर आप रामायण और बालकांड का पाठ पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। और हाँ, अपने सतगुरु के इष्ट मंत्रों का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, वो ज्यादा और सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।